ये विदेशी महिला आई है, ये पूरा का पूरा ये बदल गया है। कांग्रेस पार्टी के डोमेस्टिक पार्टीज में यही होते हैं, टॉप मैन के अलावा नीचे वाले सब नौकर होते हैं। तो माफिया गिरी जो आई है ना, ये डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ, वो इस विदेशी महिला का देन है इस देश को। आपने एक सवाल पूछा, जितने दिन मैं रहा, देखिए मैं कांग्रेस सरकार में भी था, ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था, और बीजेपी की सरकार में मैं RNW में था। तो हमारी जो ये नेशनल सिक्योरिटी का जो मीटिंग्स होती, मैंने एक देखा कि जहाँ तक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, खास और बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल यूनानिमिटी थी। कोई उसमें जो हमारी और आपकी आज की सोच है वही सोच थी लोगों को, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे वो थी, ठीक है। लेकिन जब से ये विदेशी महिला आई है, ये पूरा का पूरा ये बदल गया है। क्योंकि क्योंकि ये इसके जो लिंक्स जो हैं, वो उसके बारे में कांग्रेस को भी नहीं पता है। कांग्रेस पार्टी के डोमेस्टिक पार्टीज में यही होते हैं, टॉप मैन के अलावा नीचे वाले सब नौकर होते हैं, खाओ कमाओ मौज करो, बाकी बाकी पॉलिसी वॉलिसी हम बनाएंगे, इसके बारे में तुम कम मत पूछो। तो ये मैंने, ये जो माफिया गिरी जो आई है ना, ये डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ, वो इस विदेशी महिला का देन है इस देश को। तो देखिए, ये शेख हसीना ने गलती क्या की है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? शेख हसीना ने गलती ये किया कि उन्होंने चाइना को स्ट्रेटेजिक एक्सेस नहीं दिया, ठीक है। एक सोना दिया पोर्ट था, ये अगर मैं थोड़ा सा जी, ये अगर आप देख रही है बांग्लादेश का मैप है, ये यहाँ पे ये, इस एरिया में ये सोना दिया पोर्ट था, ठीक है। तो उसको उन्होंने नहीं दिया, ये उनकी गलती थी। दूसरा, खालिदा जिया ने वो तकरीबन वो प्रोजेक्ट शुरुआत करवा ही दी थी एक तरह से, और तो जब सरकार इनकी बदली तो हमने कहा भाई कि हम आप ये नहीं हम आपको करने देंगे, हम किसी को नहीं करने देंगे। मैंने बोला ना कि हम कैसे बाहर के पावर को हम अपने यहाँ बैकयार्ड में बिठा देंगे सर, ये बे ऑफ बंगाल में। तो हमने कहा, उन्होंने हमारी बात मान ली, उसको वो कर दिया लेके। तो 2016 में जब शी जिनपिंग बांग्लादेश आए, उसकी इन्होंने चर्चा ही नहीं की वहां पर इसकी। उसके बाद ये अमेरिकन्स ने फिर वो सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा, वो भी इसी एरिया में, ये इस एरिया में, इधर चिटागोंग है, इस एरिया में, ये जो सर्कल्स में दिखा रहा हूँ आपको, इस एरिया। तो हमने नहीं दिया क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आखिर राजीव गांधी ने IPKF क्यों भेजा था श्रीलंका में? हम तमिल्स को नहीं बचाने गए थे, हमारा कोई वो नहीं था, वो श्रीलंकन तमिल्स है, वो हजारों साल पहले वहां पर गए हुए थे, ठीक है ना। हमारा एक मेन कंसर्न था कि अमेरिकन जो है वो ट्रिंकोमली पोर्ट को अख्तियार वो एक्वायर करने जा रहे हैं, जो कि एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है ना। तो हमने वो किया, वॉइस ऑफ अमेरिका के एक स्टेशन बना रहा था उस समय कोलंबो में। तो हमने कहा भाई श्रीलंका को कि ये नहीं चलेगा, तुम हमारे बैकयार्ड में ये नहीं कर सकते। अब आप समझ जाओ कि आपके पिछवाड़े में कलकत्ता के बगल में अमेरिकन बेस हो जाए, चाइनीज बेस हो जाए, फिर आपका आपका क्या होगा? कभी इसके बारे में लोगों ने सोचा है? तो सेंट मार्टिन आइलैंड जब बोला, तो फिर इसको इन्होंने कहा, तब शेख हसीना ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, ये हम नहीं होने देंगे। यहां तक कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं प्रधानमंत्री अपने देश के सॉवरेनिटी को बेच के मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूं प्राइम मिनिस्टर के, इतना तक उन्होंने बोल दिया। तो ये कोई भी मनमोहन सिंह के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी सरकार जो होगी जिसमें थोड़ा सा भी देश के लिए कंसर्न है, वो कभी भी कोई एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस
ये हमारे बे ऑफ बंगाल में वो नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे हमको न्यूक्लियर अटैक भी करना क्यों नहीं करना पड़े, तो ये उसने उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, इस वाले मामले में ऑलरेडी मालदीव्स जो था वो आपको मालूम है कि वो इसके चाइना के ऑर्बिट में दोबारा वापस आ गया था, तो हमने फिर लक्षद्वीप को वो करना करना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये कारण था कि यही उनसे उनसे गलती गलती कहे कि एक तो आर्थिक रूप से देश को बहुत आगे बढ़ा दिया और स्ट्रैटेजिक रूप से ना तो चाइना की मदद की और ना उन्होंने अमेरिका की मदद की। अब मनीष जी, क्या होता है कि जब ये 2009 में फिर जब ये पावर में आई 2009 में, अब इन लोगों को लगा इन्हीं ताकतों को कह रहे ये क्या हो गया, यही ताकत जो मैं सेंटर में आपको बोल रहा था, यूएस, पाकिस्तान, जेईआई, ठीक है ना, इन सब को लगा कि अरे अब क्या करें। तो इन सब ने मिलके वहां बांग्लादेश राइफल्स जो थे, जैसे हमारा बीएसएफ होता था, अब उसको बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बोलते हैं, रिवोल्ट करवा दिया है। उस रिवोल्ट में था करीब 50 से ज्यादा उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स मार दिए, शेख हसीना को मारने वाले थे। तब शेख हसीना को लगा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये इतने क्रूर लोग हैं कि अगर इनको अब से इनको डील नहीं किया गया रूथलेसली, तो या तो मेरी जान चली जाएगी या मुझे देश से भागना पड़ेगा। तो उन्होंने जमाइते इस्लामी पर हेवी क्रैकडाउन किया। तो मैंने बोला सबको एक के बाद, बांग्लादेश रिवोल्ट के बाद आपने 150 जो लोग थे उनको फांसी की सजा दी गई, 150 को आजीवन कारावास मिला, उसके बाद एक के बाद एक वो लटकाना शुरू कर दी जमाइते इस्लामी को, ठीक है। और ये जमाइते इस्लामी लोग कौन है सर? इट इज अ मनीष जी, इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। आप ये मत समझिए कि वो कुछ मुल्ले ऐसे घूम रहे हैं वहां पे। ये आपको मालूम है कि इनकी जो इकोनॉमी जो है वो $1 बिलियन की इकोनॉमी है इनकी बांग्लादेश में। एक सज्जन में मिला था उनसे, विवेकानंद में एक वो था, एक सेमिनार था, बांग्लादेशी पूछाए हुए थे, उन्होंने उस पर पूरा JEI इकोनॉमी, इनके वो इनके मॉल्स हैं, ये कॉलेजेस चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट है इनका, मतलब ये, और जो पूरा जो ये चिटागोंग और ये जो कोक्सेस बाजार का एरिया है वो इनके बिल्कुल कब्जे में। तो आर्म्स स्मगलिंग भी यही लोग करवाते हैं। तो उन्होंने इनको, निजामी को, एक और मीर कासिम अली था, एक कई लोगों को हैंग करवा दिया। अब आप, मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को पर लिंक कीजिए इसको, थोड़ा सोचिए। ये जिन ताकतों का मैंने बात किया, सेंटर में पाकिस्तान, ISI, JEI, चाइना, ये USA, आखिर 26/11 जो था वो क्यों करवाया गया? इन्हीं लोग से करवाया गया था, जो मैंने वो एरो डाला है ना, सोनिया और बीच में वो जो सेंटर में JEI पास, वो तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो इसका कारण था मनीष जी कि उनको ये समझ में आ गया था, कांग्रेस को, कि इलेक्टोरल रूट से आना बहुत मुश्किल, क्योंकि 2004 में तो वो फ्लूक लग गया था, वो फ्लूक लग गया, चाइना ने इनकी मदद की, ठीक है ना, चाइना ने मदद की, अमेरिकन्स ने बोला कि देखो तरी तुम्हारी सरकार बना देंगे हम, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होगा तुम्हारा, तुम नहीं बनोगे, ठीक है। अब इनको मनमोहन सिंह अमेरिकन कैंप में, ये चाइनीज की मदद से इनकी सरकार बनी। उसके बाद ज्योति बासु ने इनको अश्योर किया, आप कभी देख लेना वो फुटेज मिलेगा, मैडम यू रूल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन वरी तो करना पड़ा जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ,
तो वो भी हुआ इंडो यूएस न्यूक्लियर ब्रिज डील, आप देखोगे 2008 में वो पूरा फ्रक्टिफाई किया, ठीक है, वो इसी टाइम इसी पीरियड में 26/11 के पीरियड, तो इनको बहुत प्रेशर आ रहा था चाइना से कि आप बिल्कुल आप सबोटाज कर दीजिए इसको, जो करना है करिए। सीपीएम ने इनको थ्रेटन किया, सीपीएम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ली। सरदार जी को तो ऐसा लगा कि सरदार जी की नानी मर जाएगी अगर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील नहीं होगा। और उन दिनों में लोकसभा टेलीविजन वगैरह पे मैं जाता था, बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा था, इंडियन डिफेंस रिव्यू का मैं एसोसिएट एडिटर था, मुझे तरह तरह सर वो एक पीरियड था जितने लोग, मतलब कोई उसके अगेंस्ट लिख रहा है, कोई फॉर उसके लिख रहा है, आर्टिकल्स का मेरे पास मतलब ताता लगा हुआ था उसका। तो वो न्यूक्लियर डील के समय में मनमोहन सिंह ने एकदम, मतलब उनका ये था कि वो इतने प्रेशर में थे, देखिए जब आप क्रूक होते हो ना तो यू आर लाइबल टू बी ब्लैकमेल्ड, समझे। तो मनमोहन सिंह उन्होंने ठान ली थी कि जो हो जाए, अगर हमको सरकार से दो दो कांग्रेस पार्टी से करना पड़े वो भी हम वो करने को तैयार थे। और बीच में और भी कुछ दलाल घुस गए उसमें, आपको मालूम है अब इस दुनिया में नहीं है एक दलाल नाम लेना क्या कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर एमपीस को खरीदना शुरू कर दिया, ही वाज गिविंग मनी, ही वेंट टू यूएसए, पैसा लेके आया, सबको बांटना शुरू किया, ठीक है ना। तो उसके बाद जब ये न्यूक्लियर डील हो गया मनीष जी, तब ये सोनिया गांधी को लगा कि अब कैसे, अब तो चाइनीज मेरे को हेल्प करेंगे नहीं, चाइनीज नहीं हेल्प करेंगे तो सीपीएम मेरे को हेल्प नहीं करेगा, तो मैं 2009 में आखिर चुनाव लड़ूंगी तो कैसे लड़ूंगी, अब मेरी तो इतनी वजूद है नहीं कि हम इलेक्टोरल रूट से आएंगे चुनाव लड़ने जीत के। तो इन्होंने जल्दी जल्दी मैसेज भेजा चाइना को कि हम आपके साथ हम एक एमओयू साइन करने के लिए तैयार। वहां पर ये गए 2008, उस एमओयू के जरिए ये आश्वस्त किया गया कि भाई हम आपके देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि होगा, इत्यादि इत्यादि। और उसी दौरान जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने भी उसी पीरियड में 2008 में वो भी एमओयू साइन किया, समझ गए। तो जो मैं आपको वो फिगर दिखा रहा था उसका अहमियत अभी आपको कि किस तरीके से, मतलब फिर इन्होंने 26/11 करवाया ये करके इन्हीं तत्वों के द्वारा, ठीक है ना। तो 2008 का जो मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि चाइना से एक पार्टनरशिप, परमानेंट पार्टनरशिप, कांग्रेस पार्टी का नहीं सर, कांग्रेस पार्टी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, किसी को मालूम नहीं था कांग्रेस पार्टी में, इससे बड़ा सेडिशन का और कुछ हो ही नहीं सकता कि आप एक एक पार्टी के बिहाफ में आप जाके एमओयू साइन कर रहे हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट नो अबाउट इट, आई कैन अश्योर यू। अमेरिकन्स ने मनमोहन को बताया होगा, तो मनमोहन सिंह को तो मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन उनको उनको पार्टी के उससे किसी को नहीं मिला, कोई नहीं जानता। ये तो किसी भले आदमी ने उसका देश प्रेम थोड़ा उसको ग्लानी हुई होगी, वो लीक कर दिया वो फोटोग्राफ जो भी था, ठीक है ना। और आज भी ना न्यायपालिका में पॉलिटी में किसी की हिम्मत नहीं है, ये जज साहब लोग इतने जो सुअ मुटो और रफाल में गेट द डॉक्यूमेंट्स टू मी, Give it to me in sealed cover, अरे मांगो ना कांग्रेस पार्टी से, सोनिया को बोलो हमको सील्ड कवर में भेजो, क्या है एमओयू का, तो कांग्रेस ही नहीं जानते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना सर। दैट इज द इंफ्लुएंस द चाइनीज एंड द अमेरिकन्स हैव ओवर योर जुडिशरी, ओवर योर एग्जीक्यूटिव एंड ओवर योर लेजिस्लेचर।